इस बार होली होगी मजेदार, वो भी गोवा में 16 से 20 मार्च, जिसमें 17 और 18 तारीख को होगी पूल पार्टी इन गोवा, वो भी सिर्फ 5,900 रुपए में। कॉन्टैक्ट जय बालाजी पैकेज टूर्स। होली इन गोवा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा के पुराने पैनल नंबर 2 व पैनल नंबर 6 की बाउंड्री पर आने वाले क्षेत्र, जो अब संभवतः पैनल नंबर 8 में होगा, यहां काफ़ी समय से विकास कार्य नहीं हो पाने के कारण स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय नीलेश पैलेस, मेघदूत बिल्डिंग व आसपास के लोगों ने RS ग्रुप के राजू शेरा, हनीश चिंचलानी से इसकी शिकायत की। इनके प्रयासों से परिसर में ड्रेनेज का कार्य शुरू किया गया है, वहीं रास्ते के कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। संभवतः नए पैनल 8 में RS ग्रुप द्वारा सक्रियता से कार्य किए जा रहे हैं। संभवतः नए पैनल 8 के विभिन्न परिसरों में CCTV कैमरा लगाने का कार्य शुरू हो चुका है, जो आने वाले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। शनिवार को रास्ते व ड्रेनेज कार्य, जो राजू शेरा द्वारा निजी खर्च से बनाया जा रहा है, उसका भूमि पूजन किया गया। यहां नगर सेवक हरीश जग्यासी, हनीश चंचलानी, गोवर्धन जयसिंघानी, अंबू जेवाणी, प्रकाश सिद्वानी, भगवान दास व RS ग्रुप से जुड़े सदस्य व स्थानीय निवासी मौजूद थे। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, पूरे एरिया का ड्रेनेज यहाँ पे आ रहा है, और उसकी वजह से पानी, जब बारिश का टाइम आ रहा था, पानी ओवरफ्लो होके बाहर रोड पे आ रहा था, उसकी वजह से पूरा आने जाने में दिक्कत हो रही थी, रास्ता बंद हो जा रहा था। हमें RS ग्रुप की तरफ से ये हमने उनको अप्रोच किया ये बनाने के लिए। काफ़ी टाइम से हमें यहाँ पे पानी की ओवरफ्लो की समस्या थी, उसे लेकर हमने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने इमीडिएटली काम चालू करवा के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट दिया है। हम शुक्र गुजार रहेंगे इनके। देखिए, पहले तो हम इतने सालों से यहाँ रह रहे, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी RS ग्रुप की तरफ से और ओमिकालन तरफ से हमें अभी ये ड्रेनेज का सिस्टम बराबर होके मिलने की आशंका है, और यहाँ पे रोड भी बन रहा है। जो बारिश में हमें दिक्कत आ रही थी, अभी उम्मीद है कि वो दिक्कत हमें नहीं आएगी। जैसे कि ये काम हो रहा है ड्रेनेज लाइन का नीलेश पैलेस के यहाँ पे, मेघदूत बिल्डिंग के यहाँ पे, ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में और राजू शेरा जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। राजू शेरा जी अपने खर्चे से काम करवा रहे हैं। इनको बहुत सालों से तकलीफ थी ये वालों को, ड्रेनेज की और रोड की, दोनों काम हो रहा है, चालू है, ड्रेनेज का काम चालू है, रोड का भी काम चालू है, और जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा ये काम। हमारा लक्ष्य है सिर्फ जनता की सेवा करना, और वो हम कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक को काफ़ी समय से तकलीफ थी, तो मैं यही चाहूँगा कि हम ओमी कालानी जी के तरफ से और RS ग्रुप की तरफ से ये सब काम करवा रहे हैं, जो कॉरपोरेशन ना करवा पाई, हम अपने खर्चे पे करवा के इनको वो सुविधा दे रहे हैं कि आगे चल के इनको कोई तकलीफ़ ना हो। CCTV का भी जो है परिसर में, और कुछ ही दिन पहले से हमने CCTV कैमरा जो लगाने चालू किए हैं पूरे वार्ड में, वो भी जल्द लगभग 3 या 4 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, पूरा वार्ड CCTV कैमरा के अंदर होएगा।